hello everyone i am muhammad arif and you are watching apex tutorials today we are going to finish the explanation of our chapter the seven sister states of india let's start tiripura earlier ruled by the Tirupuri dynasty for several centuries is the third smallest state of india hamara next state hai tiripura tiripura earlier jo pehle रूल्ड बाय शासन उस पर किसका था किसके द्वारा शासित था द त्रिपुरी डायनेस्टी डायनेस्टी राजवंश को कहते हैं चिल्ड्रन सेवरल सेंचुरीज कई शताब्दियों तक कई सौ सालों तक त्रिपुरा पर त्रिपुरी डायनेस्टी का राज रहा इज द थर्ड स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया त्रिपुरा तीसरा भारत का सबसे छोटा स्टेट है राज्य है और कैसा है अ लैंड लॉक्ड स्टेट लैंड लॉक्ड कहते हैं डियर चिल्ड्रेन सराउंडेड बाय लैंड धरती से घिरा हुआ इट इज़ बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश टू द नॉर्थ उत्तर में ये बांग्लादेश के बॉर्डर से मिलता है साउथ एंड वेस्ट एंड असम एंड मिज़ोरम टू द ईस्ट साउथ और वेस्ट में दक्षिण और पश्चिम में और उत्तर में बांग्लादेश से घिरा हुआ है और ईस्ट में पूर्व दिशा में असम और मिज़ोरम से घिरा हुआ है तो इस तरह से ये लैंड लॉकड हो गया यानी चारों तरफ से घिरा हुआ हो गया देर आर फाइव माउंटेन रेंजेज दैट रन नॉर्थ टू साउथ विद वैलीज इन बिटवीन यहाँ पर पांच माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रृंखलाएँ हैं दैट रन नॉर्थ टू साउथ जो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं विद वैलीज इन बिटवीन और इनके बीच में घाटियां हैं द कैपिटल सिटी ऑफ अगरतला इज़ सिचुएटेड इन अ प्लेन इन द वेस्टर्न रीजन इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट द कैपिटल सिटी जो कैपिटल uh, है राजधानी है किसकी अगरतला की वो कहाँ है इज़ सिचुएटेड इन अ प्लेन इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ़ द स्टेट ये मैदान में प्लेन मैदान में स्थित है इन द वेस्टर्न रीजन जो इसका पश्चिमी इलाका है पश्चिमी हिस्सा है स्टेट का उसमें स्थित है द बंगाली पीपल फॉर्म द लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी भाषाई बहुमत यहाँ पर बंगाली भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं उनका बहुमत है शेड्यूल ट्राइब्स फॉर्म अबाउट अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा और शेड्यूल ट्राइब यानी जिसको आप अक्सर एस टी एस सी एस टी करके सुनते हैं ना तो उसमें एस टी शेड्यूल ट्राइब्स जो होता है फॉर्म अबाउट अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से उसका जो तीसरा हिस्सा है वन थर्ड पार्ट है उस पॉपुलेशन का वो किसका है वो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोगों का है स्टेट हैज़ अ ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एंड रिसीव्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून और ये राज्य जो है इसमें इसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल सवाना ट्रॉपिकल उष्ण को कहते हैं और सवाना जो है जलवायु का एक नाम है यानी ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट उष्ण कटिब ऊष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु यहाँ पर रहती है एंड रिसीव्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून और यहाँ जो बारिश होती है ये जो बारिश प्राप्त करता है कहाँ से प्राप्त करता है जो साउथ वेस्ट मानसून होती है यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर बारिश होती है अबाउट हाफ ऑफ द स्टेट इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट और इसका लगभग आधा इस राज्य का हिस्सा जो है वो जंगलों से आच्छादित है ढका हुआ है यानी यहाँ पर फिफ्टी परसेंट एरिया पर जंगल हैं मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और आधे से अधिक जो पॉपुलेशन है हाफ मोर देन मोर देन हाफ द पॉपुलेशन आधे से भी अधिक जो यहाँ की जनसंख्या है त्रिपुरा की डिपेंड्स निर्भर करती है किस पे ऑन एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पर राइस इज़ द मेजर क्रॉप एंड नाइन्टी वन परसेंट ऑफ द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज़ यूज टू ग्रो राइस राइस यानी चावल मुंजी जिसे हमारे इलाके में कहा जाता है यहाँ की सबसे बड़ी मेजर क्रॉप है और नाइन्टी वन परसेंट जो लैंड है यहाँ की वो अंडर कल्टीवेशन यानी खेतीबाड़ी में उसका प्रयोग होता है और कौन सी खेतीबाड़ी में टू ग्रो राइस यानी नाइन्टी वन परसेंट लैंड पर जो है यहाँ पर चावल की खेती होती है धान की खेती होती है पटैटोज़ शुगर केन पोटैटोज़ शुगर केन पल्सिस एंड जूट एज वेल एज़ फ्रूट्स लाइक पाइनीपल्स एंड जैक फ्रूट आर ऑल्सो ग्रोहन इन दीट यहाँ इस स्टेट के अंदर क्या क्या उगाया जाता है पोटैटोज़ आलू उगाए जाते हैं शुगर केन गन्ना उगाया जाता है पल्सिस दालें उगाई जाती हैं एंड जूट एज वेल एज़ फ्रूट्स लाइक पाइनीपल्स और यहाँ पर जूट की भी खेती होती है और इसी तरह से यहाँ पर फ्रूट्स फलों की खेती होती है कौन कौन से फल पाइन एपल्स जैक फ्रूट है ना यानी अनानास की खेती होती है और यहाँ पर कटहल की खेती होती है बिसाइड्स दीज क्रॉप्स रबर एंड टी आर इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स इन स्टेट बिसाइड्स इनके अलावा इनके अतिरिक्त इनके ये जो फ़सलें हैं इन फसलों के अलावा इनके अतिरिक्त रबर की खेती भी होती है और चाय की खेती भी होती है और ये यहाँ की इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं डियर चिल्ड्रन कैश क्रॉप्स किसको कहते हैं एक्चुअली अगर हम गेहूँ चावल इसकी खेती कर रहे हैं तो ये एक तरह से अनाज होते हैं जिनको घर में भी खाया जाता है तो कैश क्रॉप इससे अलग इस तरह से होती है कि उसे घर के इस्तेमाल के लिए नहीं की जाती वो खेती केवल और केवल पैसा कमाने के लिए की जाती है यानी कुछ कुछ कैश जो है हाथों में आ जाए बेचने के लिए लाभ कमाने के लिए की जाती है तो उसको कैश क्रॉप्स बोलते हैं त्रिपुरा इज़ रैंक्ड सेकेंड टू केरला इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर त्रिपुरा इज़ रैंक्ड इसका स्थान है त्रिपुरा का क्या सेकेंड टू केरला केरला के बाद इसका दूसरा स्थान है क्या उगाने में प्रोडक्शन किसके उत्पादन में नेचुरल रबर के उत्पादन में त्रिपुरा का केरला के बाद दूसरा स्थान है पिसिकल्चर इन त्रिपुरा फॉर्म्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट पिसिकल्चर मछली उत्पादन मत्स्य उत्पादन त्रिपुरा के अंदर फॉर्म्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ़ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट यानी ये जो मछली उत्पादन है जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था है इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसका आंतरिक रूप से बहुत ही बड़ा स्थान है ग्रेट स्ट्रेस इज़ बींग लेड ऑन द क्रिएशन ऑफ वाटर बॉडीज़ सो दैट फिश प्रोडक्शन कैन मीट द डिमांड इन द स्टेट ग्रेट स्ट्रेस बड़ा जोर इज़ बीइंग लैड दिया जा रहा है बड़ा जोर दिया जा रहा है किस चीज़ के ऊपर ऑन द क्रिएशन ऑफ वाटर बॉडीज़ वाटर बॉडीज़ यानी जल संसाधन जो हैं वहाँ के जल स्रोत जो हैं तालाब हो गया नहर हो गई रजबहे हो गए इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इनके निर्माण पे क्रिएशन पे क्यों सो दैट फिश प्रोडक्शन कैन मीट द डिमांड इन द स्टेट जो फिश प्रोडक्शन है मछलियों का उत्पादन है वो इस स्टेट के अंदर इस राज्य के अंदर जितनी उसकी डिमांड है इस स्टेट से इस राज्य से या आंतरिक रूप से उसको पूरा किया जा सके कैन मीट द डिमांड उस डिमांड को पूरा किया जा किया जा सके इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो जल स्रोतों के ऊपर दिया जा रहा है The old temples and palaces built by the former Maharajas of Tripura are of special interest to tourists, as are the lakes, water bodies, and the wildlife sanctuaries. जो पुराने मंदिर हैं यहाँ ओल्ड टेम्पल्स और पैलेस महल वगैरह हैं वो किसने बनवाए थे बिल्ट बाय द फोर्मर महाराजाज ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के जो पहले महाराजा थे राजा थे उन्होंने बनवाया हुआ आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू टूरिस्ट यानी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रुचि की चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर और क्या है रुचि की चीज़ें लेक्स झीलें हैं वाटर बॉडीज़ जल स्रोत हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और जो अभ्यारण्य हैं यहाँ पर यानी जंगली जीवन को शेर को चीते को राइनोसरोस को इस तरह के जितने भी और जानवर हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सब को बनाए रखने के लिए सेंचुरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है अभ्यारण्य बनाए गए हैं वो सब भी पर्यटकों के केंद्र होता है और उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं असाम असोम इन संस्कृत मीन्स अनपैरलर्ड और पियरलेस असाम वर्ड जो है एक वर्ड होता है संस्कृत के अंदर असोम असोम वर्ड जो संस्कृत के अंदर होता है उसका अर्थ होता है अन और पीयरलेस यानी अनपैरल्ड कहते हैं बेमिसाल को और पियरलेस बेजोड़ यानी बहुत ही बेजोड़ और बेमिसाल जो चीज़ है उसको संस्कृत में असोम कहते हैं और वहीं से इस स्टेट का नाम असम आया इट इज़ डिस्क्राइब्ड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ प्र और द सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स वेयर लॉर्ड ब्रह्मा फर्स्ट क्रिएटेड द स्टार्स इसको इसका जो वर्णन मिलता है वो प्रग ज्योतिषपुरा के रूप में मिलता है या इस इसका जो है अर्थ क्या है सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स यानी पूर्वी प्रकाश का शहर वेर लॉर्ड ब्रह्मा जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले तारों का निर्माण किया था लॉर्ड ब्रह्मा फर्स्ट क्रिएटेड द स्टार्स असाम Consisting of the river valleys of the Brahmaputra and the Barak is located to the south of the Eastern Himalayas. Assam, consisting of the river valleys, जिसके अंदर बहुत सारी नदी घाटियां हैं। कौन सी नदी की Brahmaputra और Barak नदी की घाटियां हैं? ये is located स्थित है। कहाँ? To the south of the Eastern Himalayas. Everybody knows about Himalayas. हिमालय के बारे में सब जानते हैं ये हमारे उत्तर दिशा की ओर पर्वत श्रृंखला है इसी में एवरेस्ट भी है तो पूर्वी हिमालयाज ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं कहाँ उसके साउथ में स्थित है कौन असम इट इज़ सराउंडेड बाय सिक्स ऑफ द अदर सेवन सिस्टर स्टेट्स जो सेवन सिस्टर जो हम पढ़ रहे हैं एक एक करके सभी उनके जो दूसरे सिक्स स्टेट्स हैं इट इज़ सराउंडेड ये उनसे घिरा हुआ है दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है असम हैज़ कन्ज़र्व नॉट ओनली द वन हॉर्ंड इंडियन रैनोसरोस फॉर फ्रॉम एक्सटेंशन बट हैज़ आल्सो प्रोटेक्टेड द पिगमी हॉग द टाइगर एंड न्यूमरस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यानी असम कंजर्वेशन कहते हैं संरक्षित करना प्रोटेक्ट करना और असाम के अंदर जो है जो वन हॉन्ड इंडियन राइनोसरोस है यानी ऐसा गेंडा जिसकी नाक पर जो है सींग होता है सिर्फ़ उसको संरक्षित उसको प्रोटेक्ट करना यानी एक्सटिंक्शन की से विलुप्ति से समाप्ति से कहीं ऐसा ना हो कि जो तस्कर हैं वो इनको सबको मार दें और ये जाति इस धरती से ख़त्म ही हो जाए तो उसको कंज़र्व करने के लिए संरक्षित करने के लिए बचाए रखने के लिए यहाँ पर क्या है अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज़ बनाई गई हैं केवल उन्हीं को जो है ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा उन्हीं को कंजर्व नहीं कर रहा बट हैज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड द पिगमी हॉग बल्कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है संरक्षित कर रहा है हिफाजत कर रहा है सुरक्षा दे रहा है किसको को पिगमी हॉक को भी पिगमी हॉक जो है इस स्मॉलेस्ट स्पीसीज़ है पिग की जंगली पिग को हॉक कहते हैं और उसकी सबसे छोटी प्रजाति है ये द टाइगर टाइगर को भी संरक्षित कर रहा है बचा रहा है एंड न्यूमरस स्पीसीज ऑफ़ बर्ड्स और न्यूमरस कई और प्रकार की जो प्रजातियां हैं किसकी बर्ड्स की पक्षियों की भी उनके संरक्षण का काम भी आसाम के अंदर हो रहा है द स्टेट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ हैबिटेट फॉर द एशियन एलिफेंट और इन सबके अलावा ये राज्य जो एशियन एलिफेंट हैं जो एशिया के हाथी हैं उनको भी हैबिटेट यानी निवास स्थान प्रदान कर रहा है उनके भी रहने की ये जगह है

आर प्रोटेक्टेड इनको सुरक्षित किया जाता है जो नेशनल पार्क्स हैं राष्ट्रीय पार्क्स हैं उनमें या सेंचुरीज़ हैं अभ्यारण्य हैं उनमें और उनके नाम जैसे काजिरंगा नेशनल पार्क हो गया मानस नेशनल पार्क हो गया पॉबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से है और दूसरे इसी तरह के और रिज़र्व हैं इसी तरह के आ, पार्क और सेंचुरीज की तरह से आ, एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और चीज़ें भी बनाई गई हैं असम इज़ फेमस फॉर इट्स टी असम अपने चाय के उत्पादन के लिए इसमें होने वाली चाय के लिए मशहूर है द टी गार्डन्स ऑफ असम प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ़ द वर्ल्ड्स टी जो असम के टी गार्डन्स हैं चाय के बागान हैं वो लार्ज पोर्शन एक बड़ा हिस्सा ऑफ द वर्ल्ड्स टी दुनिया के अंदर जो चाय जाती है या इस्तेमाल की जाती है उसका एक बड़ा हिस्सा असम के असम के अंदर पैदा किया जाता है दे आल्सो प्रोवाइड अ लिवलीहुड टू न्यूमरस टी प्लकर्स मोस्ट ऑफ दैम वीमेन दे कौन ये जो टी गार्डन्स हैं चाय के बागान हैं ये प्रोवाइड उपलब्ध कराते हैं प्रदान करते हैं अ लिवलीहुड जीविका टू न्यूमरस टी प्लकर्स काफ़ी सारे जो चाय के तोड़ने वाले हैं चाय की पत्तियां तोड़ते हैं टी प्लकर्स हैं उनको जीविका प्रदान करती है उनके लिए रोज़गार मुहैया कराते हैं मोस्ट ऑफ दम वीमेन और ये जो टी प्लकर्स हैं इसमें ज़्यादातर कौन हैं औरतें हैं मैनी माइग्रेंट्स वर्क माइग्रेंट वर्कर्स फ्राम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया वर्क इन द टी गार्डन्स काफ़ी सारे माइग्रेंट कहते हैं जो एक स्थान से चल कर के दूसरे स्थान पर जाते हैं तो माइग्रेंट वर्कर्स कौन हो गए जो स्टेट के अलावा और दूसरे स्टेट से भारत के और दूसरे स्टेट से यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं इन टी गार्डन्स में वो माइग्रेंट वर्कर्स कहलाते हैं और वो भी यानी काफ़ी बड़ी तादाद में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और इन चाय के बाग़ान में अपना रोज़गार तलाश करते हैं सम पीपल रेफर टू असम एज अ सिल्क कंट्री कुछ लोग असम को सिल्क कंट्री यानी रेशम का देश कहते हैं रीकल्चर रेशम उद्योग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू तो मैनी पीपल लिविंग इन रूरल आसाम आसाम के देहात के इलाके में रहने वाले काफ़ी सारे लोगों को सेरिकल्चर जो है रेशम का उद्योग जो है वो एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराता है यानी रोज़गार मुहैया कराता है टूरिस्ट्स एंड अदर इंडियंस नीड टू विजिट assam टू डिस्कवर what एन amazing पार्ट ऑफ इंडिया इट is जो पर्यटक हैं या और दूसरे भारतीय हैं उनको नीड टू आवश्यकता है विजिट नीड टू विजिट यहाँ पर घूमने की यहाँ पर आने की आवश्यकता है कहाँ असम के अंदर टू डिस्कवर क्या खोजने के लिए क्या देखने के लिए क्या पता करने के लिए कि वॉट एन अमेज़िंग पार्ट ऑफ इंडिया इट इज़ ये भारत का एक बहुत ही अमेजिंग पार्ट है यानी कि अद्भुत जगह है एक बहुत ही अद्भुत जगह है भारत की इसलिए इसको अमेजिंग पार्ट को देखने के लिए जो पर्यटक हैं या दूसरे भारतीय हैं उनको ज़रूरत है इस जगह पर आकर घूमने की द इमिनेंट इस्कॉलर हेमबरुआ रोड इमिनेंट कहते हैं वेल well नोन को जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो मशहूर हो ऐसे एक विद्वान हुए हैं हेमबरुआ उन्होंने लिखा टू मैनी आउटसाइडर्स काफ़ी सारे बाहर के लोगों के लिए असाम इज़ नो मोर दैन अ लैंड ऑफ माउंटेंस आसाम उनके लिए एक लैंड ऑफ माउंटेंस पर्वतों की धरती के अलावा कुछ नहीं है और भी कई सारी चीज़ें दी हैं कि असम इज़ नो मोर देन अ लैंड ऑफ माउंटेंस मलेरिया अर्थ क्वैक्स एंड फ्लड्स एंड अ कामाख्या टेम्पल यानी काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि असम में कमाख्या टेम्पल है बाढ़ आती रहती हैं फ्लड्स आती रहती हैं अर्थ आते रहते हैं भूकंप आते रहते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर मलेरिया के केसेस होते हैं और ये लैंड ऑफ माउंटेंस हैं टू अदर्स दूसरों के लिए इट इज़ ग्रीन वुडलैंड वेयर स्लॉथफुल सरपेंट्स इंसीडियस टाइगर्स वाइल्ड एलिफेंट्स यानी काफ़ी सारे और जो दूसरे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये ग्रीन वुडलैंड है हरी भरी धरती है जंगली स्थान है वेयर जहाँ स्लॉथफुल सरपेंट्स सुस्त सांप मिलते हैं इंसीडियस टाइगर यानी इंसिडियस कहते हैं कपट करने वाला कपटी जालसाज धोखेबाज अब यहाँ टाइगर को इसलिए कहा है कि वो हमेशा जो है आ, ताक में लगा रहता है कि उसे कब कोई इंसान मिले वो उसे ट्रैप करे और उसे मार डाले और खा जाए तो इंसिडियस टाइगर्स एंड वाइल्ड एलिफेंट्स और जंगली हाथी एंड Wild elephants and stealthy leopards peep and peer with virulent eyes and claws. तो यहाँ वो ये कह रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जगह जो है वो सुस्त सांपों का स्थान है यहाँ पे इंसानों को मारकर खा जाने वाले बाघ रहते हैं वाइल्ड एलिफेंट्स जंगली आ, हाथी रहते हैं एंड इस्टैल दी लेपर्ड्स और इस्टैल दी इस्टैल्दी किस को कहते हैं डियर चिल्ड्रेन सीक्रेटली स्लाइली जासूसी से चुपचाप से चोरी छिपे है ना चोरी छिपे कौन लेपर्ड्स तेंदुए क्या करते हैं पीप एंड पियर ताक झांक करते हैं विद विरुलेंटाइज विरुलेंटाइज पॉइजनसाइज यानी उनकी जहरीली आंखें एंड क्लॉज और उनके पंजे जहरीले पंजे उनके साथ वो ताक झाँक करते हैं किसकी अपने शिकार की असाम टू मोस्ट पीपल इस मेंटली अ डिस्टेंट होराइजन लाइक बोलीविया और पेरू लेस नोन एंड मोर फैंसीड असाम टू मोस्ट पीपल काफ़ी सारे लोगों के लिए आसान क्या है इस मेंटली मानसिक रूप से अ डिस्टेंट होराइजन एक सुदूर डिस्टेंट होराइजन डिस्टेंट सुदूर बहुत दूर काफ़ी अधिक दूर होराइजन क्या है क्षितिज है एक सुदूर क्षितिज की तरह है लाइक बोलीविया और पेरू बोलीविया और पेरू ये अमेरिका के अंदर हैं डियर चिल्ड्रन बोलीविया सेंट्रल साउथ अमेरिका के अंदर है पेरू वेस्टर्न साउथ अमेरिका के अंदर है और ये भी ऐसे ही जो है जैसे हमारा त्रिपुरा है घिरा हुआ हरा भरा ऐसी ही जगह हैं लेस नॉन एंड मोर फैंसीड यानी जिन्हें लोग जानते कम हैं लेकिन उनकी कल्पना अधिक करते हैं किताबों में देखे गए अनुसार डॉक्यूमेंट्रीज में देखे गए अनुसार या किसी की बताई गई जानकारी के अनुसार लोग इसको जानते कम हैं बस इसकी कल्पना अधिक करते हैं दिस मे बी सेट दिस मे बी सेट ऑफ द ऑल द सेवन सिस्टर स्टेट्स बाई दो फील इट इज टू लॉन्ग अ जर्नी टू एम्बार्क अपॉन

हु फील इट जो इसको महसूस करते हैं क्या कहते हैं इट इज़ टू लॉन्ग अ जर्नी टू एम्बार्क अपोन यानी एम्बार्क कहते हैं किसी काम को टू एम्बार्क अपन प्रारंभ करना शुरू करना शुरू करने से पहले वो क्या कहते हैं कहने लगे ये तो बहुत लंबी यात्रा है भाई काफ़ी लंबा डिस्टेंस है जिसको कवर करके वहाँ तक पहुँचा जाता है और क्या कहते हैं टू फ्राइटनिंग एन एरिया टू विजिट यानी घूमने के लिए बहुत ही डरावनी जगह है बहुत ही डेंजरस प्लेस है ख़तरनाक जगह है एंड टू मच ऑफ़ एन एडवेंचर टू पार्टिसिपेट इन डियर चिल्ड्रन आप जानते हैं कहीं कभी गए होंगे आप हिली एरिया में तो वहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचरस गेम्स जो हैं इस्टाब्लिश किए गए हैं लोगों के द्वारा जैसे बंजी जंपिंग होता है और वो फ्लाई करते हैं पैराग्लाइडिंग वगैरह होता है तो बहुत ही एडवेंचर यानी साहसिक कार्य या साहसिक जो है यहाँ पे गेम्स वगैरह होते हैं या ये एक एक्सपेडिशन अभियान जो है बड़ा साहसिक है टू तो पार्टिसिपेट इन इसमें भाग लेना टू तो रिमूव द फियर ऑफ डिस्टेंस टू तो रिमूव द फीयर ऑफ़ डिस्टेंस एंड द सीनिस्टर मिस्ट्री गो टू द नॉर्थ ईस्ट टू डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस द मोस्ट मैग्निफिशेंट अनटचड एंड अन मैस्ड ब्यूटी दैट इंडिया हैज़ टू ऑफर टू रिमूव द फीयर ऑफ डिस्टेंस यानी एक एक चीज़ को कह रहा है कि इस दूरी का जो डर है उसको निकालने के लिए उसको रिमूव करने के लिए और क्या एंड सिनिस्टर मिस्ट्री और ये जो भयावह डरावना रहस्य है इसको दूर करने के लिए गो टू तो द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में जाओ टू तो डिस्कवर खोजने के लिए टू तो नो जानने के लिए एंड एक्सपीरियंस और अनुभव करने के लिए तजुर्बा करने के लिए द मोस्ट मैग्निफिशेंट सबसे अधिक शानदार अनटचेड अछूता एंड अनमैच्ड और बेजोड़ जिसका कोई मुकाबला ना हो ब्यूटी सुंदरता दैट इंडिया हैज़ टू ऑफर जिसे भारत प्रस्तुत करता है तो फाइनली राइटर जो है वो हमें ये कह रहा है कि इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालने के लिए जो आपने फैंसी कल्पना की है कि बहुत ज़्यादा दूर है उसका डर और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़तरा है डेंजर है उसको दिमाग से निकालने के लिए कहाँ कर कहाँ जाओ नॉर्थ ईस्ट में जाओ और जानो अनुभव करो स्वयं किसका सबसे अधिक शानदार अछूते और अनमैच्ड ब्यूटी सुंदरता का जिसे भारत देश प्रस्तुत करता है या पेश करता है सो डियर चिल्ड्रन दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर होप यू अंडरस्टूड एंड इंजॉयड द एक्सप्लेनेशन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद भी आई होगी समझ में भी आई होगी सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल टू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय